आप रात को 10-11 बजे तक ऑफिस में बैठते हो, काम तो थोड़ा थोड़ा चालू रहता होगा, लेकिन आर यू मेंट फॉर दैट? अगर आपकी ऑफिस रात को 10-12 बजे तक चालू रहती है तो समझ लेना यू आर नॉट अ स्मार्ट वर्कर, यू आर नॉट अ स्मार्ट मैनेजर ऑफ टाइम एंड वर्क। सो सबसे बड़ी जरूरत 21st सेंचुरी में यह है वर्क बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, लेसर लव फॉर मनी, लेसर लव फॉर इंटेंस वर्क। एक वर्क लाइफ बैलेंस तो जीवन में चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस में 8 घंटा आप अपने व्यवसाय में काम करें। यू कैन ड्रिंक द होल सी ऑफ योर प्रोफेशन। आप जो प्रोफेशन में, उसमें मुंबई में जितना काम है वो सभी अगर आपके टेबल पे आ गया तो विल यू बी एबल टू हैंडल? यस और नो? यू कांट। सो पुट अ फिजिकल बार, पुट अ टाइम बार। दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति है वॉरेन बफेट। उनकी फ्लैगशिप कंपनी है बर्कशायर हैथवे। There are 63 companies under it. More than 15 of them are Fortune 500. When he completed 50 years of his married life, उनके 63 CEOs ने मिलके 50 parties रखी थी पूरे विश्व में। Concluding party was in London, which was attended by more than 15 to 20 heads of states of Europe. बहुत dignified party थी। पति पत्नी दोनों मंच पे बैठे थे। Somebody, a gentleman sitting in the audience, he just raised his hand and said, "Sir, if you don't mind, can I ask you a very simple question?" And they said, "Fine." And the gentleman asked a question. "Sir, what is the secret of your happy married life of 50 years?" The microphone was in front of Warren Buffett. His wife, she pulled over the microphone and said, "I would like to answer this." खींच लिया माइक्रोफोन उनके मुंह के सामने। नॉट अ सिंगल चेंज ऑफ रिंकल ऑन हिज फेस। सो 50% ऑफ द आंसर पीपल गॉट फ्रॉम दिस एक्शन हाउ दे वुड हैव कंटिन्यूड फॉर 50 इयर्स। एंड देन शी सेड, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आई एम टॉकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन्स वर्क लाइफ बैलेंस। हम जितने यहां बैठे हैं ना, उनकी सब, क्योंकि ये आई सॉल्यूशंस है, वेल्थ एडवाइजरी है, आपको एडवाइस देते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कमाई के बारे में कुछ कहते होंगे, करते होंगे। हम जितने बैठे हैं उनका, हमारी सबकी वेल्थ प्लस 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 कर दो तो इट्स नॉट इवन 10% ऑफ वॉरेन बफेट। मैं उनकी बात कर रहा हूं। वॉरेन बफेट्स वाइफ, शी सेड दैट देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल डे इन आर मैरिड लाइफ एट मी एंड माई हस्बैंड एंड आर चिल्ड्रन वी हैव नॉट सेट टूगेदर फॉर डिनर एट 8 PM। दिस इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। दूसरी बात उन्होंने बताई कि देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल डे वेयर मी एंड माई हस्बैंड वी हैव नॉट गॉन आउट ऑन एन इवनिंग वॉक आफ्टर डिनर फॉर एटलीस्ट 30 मिनट। अब आप अपनी तलाश कर लो। Third thing she said, there has not been a single day where me and my husband, we have not sat together to tuition our children. Thereafter, we tuitioned our grandchildren. And today, at the age of 73, we are tuitioning our great-grandchildren. Unko pucha gaya kyon? And she said, we want to transmit our family values to the next generation, to the third generation. So we are spending quality and quantity time with our children. This is called work-life balance. Isko work-life balance bolte hain. Aap raat ko 10-11 baje tak office mein baithte ho, kaam to thoda thoda chalu rehta hoga. Lekin are you meant for that? अगर आपकी ऑफिस रात को 10-12 बजे तक चालू रहती है तो समझ लेना यू आर नॉट अ स्मार्ट वर्कर, यू आर नॉट अ स्मार्ट मैनेजर ऑफ टाइम एंड वर्क। अब यह मत पूछना कि मैंने 2 पुस्तक पढ़ लिया, 2 आर्टिकल पढ़ लिए, इसलिए आपके सामने आके कुछ बात कर रहा हूं। आई कम फ्रॉम द वर्ल्ड, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। वी आर अमंग द टॉप 10 एनजीओस ऑफ द वर्ल्ड। आप लायंस क्लब के मेंबर्स होंगे, रोटरी के मेंबर होंगे, उससे भी ये बड़ी संस्था है, द बीएपीएस, स्वामीनारायण संस्था। आपने अक्षरधाम देखा है?
गांधीनगर या दिल्ली में, जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बीन टू अक्षरधाम, ऑल ऑफ यू. आई कम फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन जो अक्षरधाम आपने देखा. ऐसे छोटे मोटे हमारे 1300 कैंपस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 1300 प्लस मोर देन अबाउट 100 हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हॉस्टल्स एंड कॉलेजेस. एंड वी आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एज सेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इन द मैनेजमेंट, इन द एचआर, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द सिस्टम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन रनिंग हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हॉस्टल्स एंड कॉलेजेस. सो हमें पता है मैनेजमेंट क्या है, वर्क क्या है. जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, what I'm doing now is my extra work, is my hobby. I just talk to people as part of my hobby. It's not my main job. So we know what is administration, management, system, work, hiring, HR, everything. And I've been doing this since 26 years. कहने की बात यह है कि work-life balance तो maintain करना पड़ता है. कुमार मंगलम बिरला और उनके धर्म पत्नी का एक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था अभी 4-5 साल पहले. उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछा था कि सर यू आर सच अ सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी कपल, यू लिव इन द टाउन, हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम, ऑफिस टाइम, ट्रैवल टाइम, मीटिंग टाइम, सोशल टाइम, फैमिली टाइम. तब कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, इट्स अ 5 लाख करोड़ कॉन्ग्लोमरेट फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर. कुमार मंगलम बिरला के धर्म पत्नी ने बताया था कि देयर इज अ कस्टम इन द बिरला हाउस दैट एट 8 PM एवरीबडी हैज टू डिपॉजिट देयर मोबाइल विद द मदर, इंक्लूडिंग कुमार मंगलम बिरला. And the interviewer was surprised. Sir, what do you do after that? As if life does not exist without a mobile. What do you do after that? And she said, we sit on the dining table. 45 minutes is dinner time. And after 45 minutes, we sit for another half an hour or 45 minutes talking all the day. All the happenings of the day. Talking some family history. Planning out some family event, but we spend about 1.5 hours together at night. उसके बाद 9:30 को अपने अपने मोबाइल वापस मिलते हैं, just to check the urgencies and emergencies, just for 10 minutes. And again, everybody is into their somebody reading, watching a serial or whatever. तो ऐसे दो परिवार की मैंने आपको बात की, वॉरेन बफेट की भी की और कुमार मंगलम बिरला की भी की. इस परिवार में इस प्रकार के सिद्धांत, इस प्रकार के मूल्य, इस प्रकार की एक सोच है एंड दे कैन मैनेज इट. और आप अपने मोबाइल फोन रात को 11 बजे तक 12 बजे तक चालू रखते हो, आर यू एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम द PMO कि शायद नरेंद्र भाई को मेरी जरूरत पड़ गई रात को 11:30 बजे और PMO में से कॉल आए और मुझे 2G 3G कोल स्कैम के बारे में बहुत पता है और शायद मुझे JPC में बिठाने की बात आए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में और मैं शायद इफ आई कैन नॉट ऑनर दैट फोन कॉल. आप ये मानते हैं कि आप 11 बजे तक 12 बजे तक मोबाइल चालू रखते हैं? इफ यू हैव दिस हैबिट, लेट मी टेल यू ऑन फेस टुडे व्हेन यू हैव कॉल्ड मी टू टॉक टू यू दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड फैमिली लाइफ and you have not cultivated family values. This gadget is made to serve you and we have become the slaves of this gadget. Ye gadget hamari seva ke liye bana hai and you have become the slaves of it. You have to manage it well. आप स्टीव जॉब्स की जीवन चरित्र पढ़ लेना जिन्होंने आईफोन बनाया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया. After he passed away, unfortunately at the age of 56, due to cancer, just about a few years back, his biography was written by his childhood friend, Anderson and Nick Bilton. Ek prasang likha hai unhone. Nick Bilton was the sub-editor of the New York Times for 30 years. They were childhood friends, so they had a very casual conversation many times.
तो निक मिल्टन ने पूछा उनको कि विच आईफोन्स डू योर चिल्ड्रन यूज, तब स्टीव जॉब्स बताते हैं माय डॉटर इज 14 एंड माय सन इज 12, दे आर येट टू टच एन आईफोन। अब जीवन चरित्र में पढ़ लेना, जिन्होंने आईफोन बनाया उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में आईफोन नहीं दिया। और जब निक मिल्टन ने पूछा क्यों, व्हाई, एंड यू नो ही रिप्लाई कि आई हैव क्रिएटेड दिस आईफोन, आई नो इट्स पावर, आई डोंट वॉन्ट टू गिव दिस इन द हैंड्स ऑफ माई चिल्ड्रन अंटिल दे आर मच्योर। और आप अपने बच्चे 12-14 साल के होंगे, यू गिव देम एन आईफोन ऑन देयर बर्थडे, सो स्टीव जॉब्स इज अ फूल एंड यू आर वाइज, इजंट इट? We have less understood life, family values. These people at this stage, at this level, reaching to this heights, they have understood life sometimes much better than us. So, work-life balance ke liye thode vichar. Work or life balance karne ke liye, work or family life balance karne ke liye bahut zaruri hai. To pratham vichar maine aapko ye diya, कि डोंट गेट ओवर अटैच्ड टू मनी एंड वर्क। दूसरा विचार मैंने यह दिया कि वर्क लाइफ बैलेंस ठीक तरह से समय की दृष्टि से करना। तीसरी बात वर्क लाइफ बैलेंस पे यही करनी है कि आप जो भी व्यवसाय में हैं, आप ऑनेस्ट एथिकल वर्क करना, रिमेन वेडेड टू एथिक्स, बिकॉज नोबडी इज अबाउट एथिक्स डिसिप्लिन नॉर्म्स। एम आई राइट और रॉन्ग?